हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका आपकी गार्डनर दोस्त आज आपसे बात करूंगी कि गुलाब का पौधा जो है ना बहुत मुश्किल प्लांट माना जाता है उगाने के लिए, जिसको नहीं आता उसके लिए, और जिनको एक बार आ जाता है उगाना उनके लिए बड़ा इजी प्लांट है, लॉन्ग टाइम तक चलता है, फ्लावर्स बहुत खूबसूरत देता है। इसमें कुछ ऐसी मिस्टेक्स होती हैं जो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ ये मिस्टेक्स, क्योंकि मेरे पास भी बहुत टाइम तक मेरे से गुलाब नहीं लगता था। तो गुलाब में जो ये मिस्टेक्स मैं बता रही हूँ ये बिल्कुल ना करें, ये मिस्टेक्स करने से हमारा गुलाब जो है वो मर जाता है, ख़राब हो जाता है, बीमार हो जाता है। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं बात करूँगी मिस्टेक की, वो ये है कि जब हम गुलाब लेके आते हैं हमें कहा जाता है कि गुलाब जो है ना उसकी जड़ें बहुत अच्छी ग्रो करती हैं, इसलिए इसको थोड़े बड़े गमले में लगाना चाहिए, इसको मॉइस्ट मिट्टी चाहिए होती है। तो ऐसा है, ये बिल्कुल गलत बात है। जब आप पौधा लेके आएँ जो 1 से 1.5 फीट ऊँचा है तो उसको आप 9 इंची के गमले में ही लगाएँ। कभी भी 1.5 फीट का पौधा या 2 फीट का पौधा लाके उसे 12 इंच के गमले में, 16 इंच के गमले में कभी भी मत लगाइए। अगर आपने ऐसा किया तो आपका पौधा ज़रूर थोड़े दिनों बाद या ज़रूर मरेगा। क्यों मरेगा? क्योंकि बड़ा पौधा है, बड़ा गमला है, उसमें ज़्यादा मिट्टी आती है। तो ज़्यादा मिट्टी जब आती है तो उसमें ज़्यादा मॉइस्चर को होल्ड करेगी, ज़्यादा मॉइस्चर को अगर वो होल्ड करती है तो पौधे को ज़्यादा मॉइस्चर मिलता है, जड़ें रॉट हो जाती हैं, उनमें फंगस लग जाता है और आपका पौधा मर जाता है। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखें, छोटा पौधा लाए हैं तो पहले 9 इंच में लगाएं। जब उसके ग्रोइंग जो बॉटम जो होल है उसमें से थोड़ी सी जड़ बाहर निकलती दिखे, फिर उसको नेक्स्ट साइज के पॉट में शिफ्ट करें। अगर बहुत बड़ा पौधा लाए हैं तो 12 इंच में लगा सकते हैं, 4 फीट का पौधा ऐसे है, छोटे पौधे को छोटे गमले में लगाएं। दूसरी बहुत मिस्टेक करते हैं कि सब लोग बोलते हैं अक्टूबर में अपने गुलाब की हार्ड प्रूनिंग करिए। गमले में लगा हुआ हमारा गुलाब है तो हम उसकी हार्ड प्रूनिंग नहीं करेंगे। हार्ड प्रूनिंग करने से हमारा पौधा मर जाएगा, क्योंकि गमले में अगर आपने हार्ड प्रूनिंग कर दी तो उसमें थोड़ी मिट्टी होती है, थोड़ी खाद होती है, जितनी जड़ अंदर ग्रो करती है ना पौधे की ज़मीन में उतना पौधा ऊपर से हेल्दी होता है, गुलाब और कोई भी हो, परमानेंट प्लांट्स स्पेशली। तो हमारे पास तो पौधे में जगह ही नहीं है ज़्यादा जड़ों को 5-6 फीट नीचे जाने के लिए। तो ऐसी हालत में हमें अपने पौधे को 2 से 3 इंच मैक्सिमम प्रूनिंग से ज़्यादा प्रूनिंग कभी नहीं करें। ज़्यादा प्रूनिंग कर देंगे तो वो आएंगी ही नहीं उसमें पत्तियाँ बाद में, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। तो और दूसरी चीज़, एक तीसरी बात जो हम करते हैं, जब भी प्रूनिंग करें 3 इंच की करी या 4 इंच मैक्सिमम कर सकते हैं, वैसे 3 इंच तक ठीक है, उसके बाद थोड़ी थोड़ी पत्तियां ज़रूर हटा दें अपने पौधे की। तो उससे एक तो प्रूनिंग के बाद पत्तियां हटाएं, ठीक है, क्योंकि फिर उसके बाद जब पौधे को भार नहीं पड़ना चाहिए प्रूनिंग करने के बाद, तो पत्तियां हटा दें और खाद दे दें। खाद जरूर दें जब भी प्रून करें, हम प्रूनिंग कर देते हैं खाद नहीं देते तो वो उसमें नई पत्तियों के लिए जान कहाँ से आए पौधे में। तो जब भी प्रूनिंग करें खाद जरूर दें। एक और चीज़ जो बीच में मैं दोबारा रिपीट करूँगी, भूल गई थी, जब भी पौधे को रिपॉट करें तब उसमें जो है रिपोर्ट करने के बाद एक बार उसकी पत्तियां हटा दें। जैसे अब देखिए इसकी मैंने पत्तियां हटा दी थी, ये नई पत्तियां आई हैं। तो जब भी पौधे को रिपोर्ट करें, क्योंकि वो ऑलरेडी शॉक में होता है और हम उसमें पत्तियां होती हैं, उनको फोटोसिंथेसिस के लिए पानी चाहिए, ये चाहिए, तो उसको काम बहुत हो जाते हैं और पौधा शॉक में है तो वो ज़्यादा फ्लरिश नहीं कर पाता है। तो जैसे ही रिपोर्ट करें पौधे को, उसकी सारी पत्तियां हटा दें और उसमें NPK 19:19:19 दे दें, हाँ, 1 चम्मच 1 लीटर में मिला के। जैसे आज मैंने रिपोर्ट किया है तो कल NPK दे दें। तो इस तरह से है ना, एक जो है गुलाब में बहुत गलती हम जो करते हैं वो ये है कि गुलाब में की जो मिट्टी होती है ना वो बहुत ज्यादा हार्ड मिट्टी में नहीं लगाना गुलाब को, जहाँ नेचुरली वेस्ट बंगाल वगैरह में उगता है वहाँ की छोड़ के बाकी आपको हार्ड, मेरे ख्याल वहाँ भी नहीं लगाते होंगे, हार्ड मिट्टी में नहीं लगाना है। मिट्टी बनाते समय सबसे अच्छा वो क्या रहता है, आप एक हिस्सा मिट्टी लें, एक हिस्सा खाद ले लें और उसमें 1.5 हिस्सा या 2 हिस्सा राइस हस्क मिला लें, ये बहुत अच्छा सॉइल मिक्सचर है इनके लिए। या फिर आप उसमें एक हिस्सा मिट्टी, एक हिस्सा खाद और एक हिस्सा रिवर सैंड मिला लें, मतलब इसका जो मिट्टी ऐसी होनी चाहिए जो वाटर को थोड़ा सा पकड़ के रखे, मॉइस्चर को, और सूखे भी नहीं एकदम, हार्ड भी नहीं होनी चाहिए ताकि जड़ें अच्छी तरह ग्रो करें,
और थोड़ी सी मॉइस्ट रहनी चाहिए। इसको चेक करते रहें, मिट्टी को बहुत ज़्यादा सूखने नहीं दें, और आप अपने इसकी मिट्टी को जो है वो पानी जो है वो मॉइस्ट रखें इसकी मिट्टी को। इस चीज़ का ये हम गलती कर देते हैं कि ध्यान ही नहीं रखते, मिट्टी जैसे मर्जी बना ली, तो मिट्टी थोड़ी सी इसको ध्यान दे के बनाएं, जो थोड़ी सी सॉफ्ट हो मिट्टी। और राइस हस्क वाली मिट्टी मुझे अभी तक सबसे अच्छी लगी है, मैंने जो अपना एक्सपीरियंस किया है कि राइस हस्क आप डालें तो इसकी जो मिट्टी है वो, क्योंकि राइस हस्क क्या है, धीरे धीरे डिकम्पोज होकर खाद का काम भी करता है और मॉइस्चर को भी थोड़ा सा होल्ड करता है, न्यूट्रिएंट्स को भी होल्ड करता है ये, तो उससे क्या होता है कि आपके पौधे को मॉइस्चर बना रहता है। और ज़्यादा देखिए ये मॉइस्ट भी है मिट्टी और सॉगी भी नहीं है। इस तरह की मिट्टी नहीं रखते हैं अगर हम गुलाब में, तो गुलाब के ख़राब होने का डर रहता है। दूसरी चीज़ हम एक ये नहीं करते हैं, हम क्या करते हैं, पानी देते हैं तो एक तो शाम के टाइम पानी दे देंगे, पत्तियों को गीला कर देंगे तो वो बहुत जल्दी फंगस को कैच कर लेती हैं। फूलों पे पानी कभी नहीं डालें, पत्तियों पे पानी जो है अगर नहलाना है, फूलों को तो बिल्कुल नहीं पानी डालना, अगर पत्तियों पे पानी आपको डालना है, लीव्स जो है ये वाली लीव्स, फूलों की पत्तियां नहीं, इन लीव्स पे पानी डालना है तो सुबह के टाइम डालना है, फूलों पे नहीं, सिर्फ इन पे, ताकि इन पे जो मिट्टी वगैरह जमती है वो हट जाए और जो है वो फोटोसिंथेसिस अच्छा हो, और दिन में वो सूख भी जाए धूप के साथ साथ, फुल धूप में रखना है। ये गलती भी एक बहुत बड़ी गलती है कि गुलाब ले आए, लगा लिया, इसको 6 से 8 घंटे की अच्छी धूप मिलनी चाहिए, तभी आपका पौधा जो है वो बहुत अच्छी तरह से ग्रो करता है। और क्या होता है कि सब लोग बोलते हैं कि गुलाब में जो है वो सरसों खली दीजिए, चाय पत्ती की खाद दीजिए, मैं खुद भी कहती हूँ दीजिए, लेकिन जैसे चाय पत्ती की खाद है आपने अच्छी तरह नहीं धोई, उसमें चीनी रह गई और धोई और इसमें दे दी है, तो उसको भी आप डिकम्पोज करके दें तो बहुत अच्छा है। या तो सुखा लें अच्छी तरह, या मिट्टी में थोड़ी देर दबा दें 5-7-10 दिन 15 दिन और फिर दें उसको, ताकि वो डिकम्पोज हो जाए आपकी जो चाय पत्ती की खाद वो दें। और कई बार ये गलती, ये तो बहुत गलती करते हैं लोग, मैं भी कर चुकी हूँ, कि दिखाते हैं कई बार किसी चीज़ में देख लिया रील में या कहीं, तो लिया और सरसों खली डाल दी यूँ कि यूँ गुलाब में, कई जनों के देखती हूँ मैं डली हुई, तो ये क्या है, जैसे ही इस पर पानी डलेगा इसमें फंगस आ जाएगा और आपका पौधा नहीं भी मरना होगा तो ज़रूर मरेगा। या फिर कई लोग क्या करते हैं, इसका पाउडर बना के सॉइल मिक्सचर में मिला दिया या खाद में, कभी नहीं इसका ना तो पाउडर यूज़ करना है ना इसको एज सच डालना है, इसको जब भी डालना है इसको अच्छी तरह से फर्मेंट करके डिकम्पोज करके इसका इस तरह से पानी में इसको भिगो के इसमें थोड़ा सा गुड़ डाल के इस तरह से इसका लिक्विड बना के तभी आपको सरसों खली देना है। सरसों खली इनके लिए बहुत अच्छी होती है गुलाब के लिए, लेकिन इसको डायरेक्ट आप कभी मत दीजिए। चाय पत्ती को भी इस तरह से डिकम्पोज करके दें, कभी भी चाय पत्ती को ली थोड़ी सी सुखाई और मत डालें, हो सकता है नुकसान नहीं करती हो, कई लोग कहें हम डालते हैं, लेकिन कोई चीज़ जो गलत है वो कभी भी नुकसान कर सकती है। ये भी एक गलती होती है कई बार कि हमारा गुलाब का पौधा नहीं चलता या फ्लावर नहीं देता है तो। और फिर खाद जो है इसको हमें अच्छी सी, देखिए अभी फरवरी में मैंने दी है, और अच्छी सी इसको सितंबर या अक्टूबर में खाद देनी है आपको, अक्टूबर में दे दें तो भी चलेगा, तो उसके बाद खाद नहीं देंगे तो पौधा फ्लावर नहीं देगा, ये भी इसमें कमी रह जाती है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें जो मैंने बताई हैं। ये गलतियाँ अगर आप अपने पौधे में ही देखिए, सूखी पत्तियाँ छोड़ देना, इन पर ध्यान नहीं देना, गुलाब इन चीज़ों को बहुत केयर मानता है कि जैसे सूखी पत्तियाँ रह गई हैं, देखिए सूखी पत्ती है, नीचे खरपतवार है ना, और ड्राई स्टेम्स जो रहते हैं ब्राउन ब्राउन दिखते हैं, उससे क्या होता है कि फंगस वहाँ पे ग्रो करती है। कई बार आपने कटिंग की, ये बहुत बड़ी गलती है जो मैं अब बताऊंगी, जैसे आपने आपने यहाँ से कुछ आपने फ्लावर को काट दिया या ऐसे कुछ कटिंग की है ना, अब ये जो स्टेम है ना इसको हम यूं ही छोड़ देते हैं, फिर कल हमने पानी दिया तो इस पर पानी पड़ेगा, या सर्दी के दिनों में है तो यहाँ पे ओस गिरेगी, कुछ होगा यहाँ पे बैक्टीरिया ग्रो करेंगे। तो जब भी आप इस तरह से जो है कोई स्टेम को आप काटते हैं, देखिए कोई भी स्टेम को ऐसे इस तरह से आप काटते हैं तो उस जगह पे आपको कोई भी फंजीसाइड या कुछ इस तरह से ज़रूर लगा देना है, पेस्ट बना के लगाएं तो और भी अच्छा होगा। ये देखिए इस तरह से लें और यहाँ पर ऐसे ये ज़रूर लगाएं, पत्ती पे नहीं लगाना है, जहाँ से आपने काटा है उस जगह ये ज़रूर लगा दें, इस एरिए को ओपन कभी मत छोड़ें। और ऐसे पत्तियों पर फंजीसाइड ऐसे लगना कोई ज़रूरी नहीं है, ये नहीं लगना चाहिए,
ये तो मैं आप दिखा रही हूँ आपको जल्दी जल्दी में, तो थोड़ा सा क्लमजी वर्क हो रहा है। तो ये सब कुछ पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए हैं, ये आप ध्यान रखें। ये गलतियाँ गुलाब में करेंगे तो आपका गुलाब नहीं चलेगा, तो इन गलतियों से अपने गुलाब को बचाएं और इन्जॉय करें। सुंदर सुंदर देखिए, सुंदर सुंदर फ्लावर्स का एंजॉय करें। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और एक चीज़ दिखाऊं, ये देखिए, इसमें जब फ्लावर आया है तो इस कलर का है और दो दिन बाद इस कलर का, तो देखिए दो रंग के फ्लावर्स दिख रहे हैं आपको एक ही पौधे पर। तो फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि मेरी वीडियोज़ आप रोज़ देखें तो बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा ताकि मेरी रोज़ नई वीडियो आपको मिल सके। ओके फ्रेंड्स, बाय।